हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेट मैथ के साथ नए टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, हम थर्ड सेम का पेपर है स्टैटिक्स। सुना होगा स्टैटिक्स, सेकंड ईयर में थर्ड सेम में थर्ड पेपर स्टैटिक्स। ओके, स्टैटिक्स शुरू करते हैं आपका, ठीक है। बीए और बीएससी दोनों के लिए है, थर्ड सेम के लिए। ओके, तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, मैं आपको वो डिस्कस कर देना चाहती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, सबसे पहले पॉइंट आपका आता है मैकेनिक्स। इट इज़ द साइंस विच डील विद द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडीज। आपने साइंस के स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। अब पहला है हमारा पॉइंट, मैकेनिक्स क्या है। इट इज़ साइंस, एक साइंस है दैट डील विद द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडीज। ओके, जो जो बॉडीज रेस्ट और मोशन की कंडीशन में है, गति और स्थिर की कंडीशन में है, उनके बारे में डील करता है हम मैकेनिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स वो साइंस है जो उन बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करता है। ओके, मैकेनिक्स इज़ कैटेगराइज इन टू टू ब्रांचेज, दो ब्रांच में कट किया गया है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स हम अब थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर के थर्ड सेम में पढ़ेंगे, और डायनामिक्स जो है वो थर्ड ईयर के लास्ट सेम में पढ़ेंगे, सिक्स सेम में। तो स्टैटिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे जो बॉडीज इक्विलिब्रियम होती है उनके ऊपर जो फोर्स लगता है उसके बारे में डील किया जाता है। ओके, तो इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पोजिशन में, भी रेस्ट पोजिशन में है वो, ठीक है। डायनामिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन मोशन। और डायनामिक्स वो साइंस है, वो ब्रांच है जो डिस्कस करता है, जो अभी सिखाता है, बताता है कि जो बॉडी मोशन में होती है उनके जो ऊपर जब फोर्स अप्लाई होता है तो उनमें क्या रिएक्शन होता है। ओके, अब आता है आपके कुछ पार्टिकल। व्हाट इज़ ए पार्टिकल, ए पार्टिकल इज़ ए पोर्शन ऑफ मैटर विच इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज विदाउट लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए मैथमेटिकल पॉइंट। तो पार्टिकल आपको पता है, पार्टिकल क्या है, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉल से स्मॉल मैटर है, स्मॉल से स्मॉल पार्ट है जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट ना होती है, थिकनेस नहीं होती है, सिर्फ हम मैथमेटिकल उसमें एक पॉइंट से रिप्रेजेंटेशन उसकी देते हैं। ओके, अब आता है रिजिड बॉडी। व्हाट इज़ द रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब ठोस, कठोर। ओके, ए बॉडी इज सेट टू बी रिजिड इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड नो मैटर व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसे आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, लोअर क्लासेस से पढ़ा है कि आपके पास सॉलिड की, मैटर की जो कंडीशंस होती हैं, मैटर की जो स्टेजेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। हम लेते हैं सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं और गैस लेते हैं। तो सॉलिड क्या कहते हैं, सॉलिड में ये कहते हैं कि हर पार्टिकल के बीच में कितना भी फोर्स लगाओ हम उन पार्टिकल को मूव नहीं कर सकते। तो ये हमारा रिजिड बॉडी जो है वो वही है। ओके, अब आता है आपका इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, वहन टू और मोर फोर्स, जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होते हैं इन सच ए वे दैट द बॉडी कंटिन्यू इन द इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कि बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, कितने भी फोर्स लगा दे और वो एक पॉइंट के ऊपर या एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर अपनी कंडीशन को बैलेंस बनाए रखती है तो दे आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो से ज़्यादा फोर्स लगाते हो किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, और वो अपना बैलेंस बना रखा है उसमें, ठीक है, तो बैलेंस बना रखा है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। ओके, तो नाउ स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन। ओके, चैप्टर नंबर वन वो आप जो आपकी फर्स्ट यूनिट में काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपकी चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू से बनने वाली है। ओके, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम थोड़ा सा जो पैराग्राम ला ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे वो आपकी लोअर क्लासेस से ले रखा है हमने, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। ओके, रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट, इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट अपॉन ए रिजिड बॉडी एंड इफ ए सिंगल फोर्स कैन बी फाउंड सच दैट
द इफेक्ट ऑफ इट अपॉन द बॉडी इज़ द फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ ऑल द फोर्सेज टेकन टूगेदर देन द सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट। क्या कह रहे हैं, इफ़ टू और मोर फोर्सेज, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज एक रिजिड बॉडी पे एक्ट करते हैं तो सिंगल उन सभी को मिला के हम एक सिंगल फोर्स फाउंड करते हैं, सच दैट अफेक्ट ऑफ इट अपॉन द बॉडी इज़ द सेम। इन सभी फोर्सेज को मिला के हम एक सिंगल वो लेते हैं जो बॉडी के ऊपर सारे फोर्स एक साथ मिलके काम करते हैं, तो जो सिंगल फोर्स है वो हमारा क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। ओके, इज टेकन द फोर्सेज देमसेल्व आर कॉल्ड कंपोनेंट द गिवन फोर्सेज। और इसमें जो फोर्सेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे दो या दो से ज़्यादा मैंने फोर्सेज बोले हैं वो इससे क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ओके, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स, और जो आपका सभी को कंबाइन करने के बाद जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, तो मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि जब टू और मोर फोर्सेस एक रिजिड बॉडी पे एक्ट करते हैं, ठीक है, अब जब वो सारे फोर्स एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो सिंगल फोर्स है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा, और जो पहले जो फोर्स अप्लाई हो रखे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो उसके क्या कहलाएंगे, उस रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट कहलाएंगे। ओके, तो पैरेललोग्राम लास्ट स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है, जैसे मैं पहले डायग्राम को एक्सप्रेस कर देती हूँ। मैंने कोई पॉइंट ओ लिया, ठीक है, एक फोर्स अप्लाई किया मैंने ओ ए के लोंग, और एक फोर्स अप्लाई किया किस के लोंग, ओ बी के लोंग। ठीक है, तो आपने इस टाइप से फोर्स पढ़ा है, मैंने इन दोनों फोर्सेस को लेके पहले क्या कंप्लीट किया, मैंने अपना एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ओके, मैंने ले लिया ओ ए के अलोंग जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ओ बी के अलोंग क्या हो रखा है, क्या वो फोर्स अप्लाई हो रखा है। तो ठीक है, पैरेललोग्राम में हमें पता है ओपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, इसके बिहाफ पे मैंने ओ बी फोर्स और ए सी फोर्स दोनों इक्वल और पैरेलल है, तो ए सी को भी क्या ले लिया मैंने, क्या वो ले लिया। ओके, अब मैं इस पर क्या अप्लाई करने वाली हूँ, अब इस पर मैं ट्राइंगुलर लॉ अप्लाई करने वाली हूँ। एज यू नो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, तो ट्राइंगुलर लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस में ए सी। ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस में ए सी। अब देखिए, मैंने ये कहा था कि जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स किसी सेम पॉइंट पे एक्ट करते हैं, सेम रिजिड बॉडी पे एक्ट करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट उनको कंबाइन करके जो मेक बना करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। ओके, तो हमारा ओ सी हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ओ सी को मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ओ ए मेरा ओ ए ही था, और ये मेरे पास ए सी क्या है, ओ बी के बराबर है। ठीक है, तो ओ ए को मैं पी डाल सकती हूँ, और ओ बी को क्या मैं डाल सकती हूँ, क्या वो डाल सकती हूँ। ओके, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा रिजल्टेंट जो फोर्स है ओ ए और ओ बी का रिजल्टेंट जो मेरा फोर्स है वो क्या कहलाएगा, आर। और मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, प्लस पी, पी प्लस में क्या हो। ओके स्टूडेंट्स, जब हमारा इन द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम, जब पैरेललोग्राम के डायगनल हमें पता है कि वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हमने चलो मान लिया इसका एम मिड पॉइंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट आर लिख सकते हैं ओ ए प्लस में ओ बी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ओ एम। क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ ओ एम, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ओ सी। ओके, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट आर्टिकल जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, और ये आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ईजी है। अब आता है, आपने मैं रिजल्टेंट के बारे में पढ़ लिया, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट करते हैं और उन पे लगने वाले फोर्स को हम कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो फोर्स जो है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। ओके, अब हम रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो आर हमने एक्सप्रेस किया है, उसका मैग्नीट्यूड और क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। ओके, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। हमारे पास क्या है, दो फोर्स एक सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, हम उनका रिजल्टेंट और क्या निकालेंगे, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के पैरेललोग्राम है, पहले मैं फर्स्ट को समझाती हूँ। ठीक है, मैंने लिया ओ पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर दो फोर्स सप्लाई कर दिया, एक तो ओ ए और एक ओ बी की डायरेक्शन में जा रहा है। ओ ए की डायरेक्शन में जो जा रहा है मैंने उसको पी का नाम दे दिया, और ओ बी की डायरेक्शन में जा रहा है उसको क्या नाम दे दिया, क्या वो दे दिया। ओके,
दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, ठीक है। ओके, मेरे पास दो फोर्स दे रखे थे, मैंने इन दोनों की फोर्स की हेल्प से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, ओ बी सी, ओ ए सी बी। ओके, पैरेललोग्राम बना लिया। मैं फिर से बता रही हूँ, ओ ए के अलोंग मेरा पी फोर्स लग रहा है, ओ बी के अलोंग मेरा कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यू लग रहा है। दोनों जो फोर्सेज हैं उनके बीच में मैंने अल्फा एंगल लिया है। ओके, तो इन दिस वे आपने पीछे वाला आर्टिकल में पढ़ा था कि ओ सी जो है वो आपका क्या रिजल्टेंट है, ठीक है। तो मैंने ले लिया रिजल्टेंट और एक फोर्स पी जो फोर्स है उसके बीच का एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैंने इधर लिया कि ओ पे ओ ए और ओ बी फोर्स लग रहा है, तो ओ ए लग रहा है मेरा पी, ओ ए के अलोंग मैंने पी फोर्स ले लिया और ओ बी के अलोंग क्या ले लिया मैंने, फोर्स क्यू ले लिया, ठीक है। दोनों वही चीज़, दोनों फोर्सेस के बीच में मैंने क्या एंगल लिया है, थीटा एंगल लिया है, सॉरी अल्फा एंगल लिया है रिजल्टेंट, और मेरा जो एक फोर्स है पी, रिजल्टेंट एंड फोर्स पी के अलोंग मैंने दोनों के बीच का जो एंगल है वो मैंने क्या लिया स्टूडेंट, थीटा लिया है। ओके, तो जैसे ही मैं पैरेललोग्राम इसको कंसेप्ट करूँगी तो मेरा ए सी क्या बन जाएगा, क्या वो बन जाएगा। अच्छा, आप देख पा रहे हो कि ये दोनों मैंने इस टाइप से क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे जिस फोर्स के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, अब देखिए वहाँ पे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट कराए हैं वो पॉइंट मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसका मेरा समझाने का, डायग्राम लेने का ये पर्पज है कि चाहे पॉइंट दोनों फोर्सेस के बीच में एक्यूट एंगल बने या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बने, लेकिन आपका इसके ऊपर रिजल्टेंट के ऊपर जो है, आर के ऊपर जो है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके रिजल्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है कि आपका ओ वर्टेक्स के साथ, ओ वर्टेक्स पे ओ बी और ओ ए ने एक्यूट एंगल बनाया है, तो जैसे मैं इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगी तो ये मेरा परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। तो आप हमें क्या, मैं एक बार रफली आपके दिमाग में डाल देती हूँ कि हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो आर निकालना है, आर, ठीक है। तो मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, तो पाइथागोरस थ्योरम तो मेरी जब लगेगी तब मेरी ट्रायंगल क्या हो, राइट एंगल हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जैसे ही मैंने सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर किया तो ओ डी सी मेरी क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ओ डी सी मेरी क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब देखिए इसमें आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में आर निकालने के लिए ओ डी चाहिए और क्या चाहिए आपको, सी डी चाहिए, बट दोनों ही नहीं है, डोंट वरी। हमारे पास क्या है कि ओ बी और ओ ए के बीच में अल्फा एंगल था, तो देखिए ओ बी और ए सी दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल। तो ये देखिए मैंने ये मार्क कर रखा है आपके पास, सी ए डी जो एंगल है वो भी क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है। तो मेरे पास जो कमी है वो किसकी है, ए डी की, और किसकी है, सी डी की कमी है, ठीक है। तो देखिए अब डायग्राम अगर आपको समझ आ गया हो, अगर ये एक्यूट एंगल था तो परपेंडिकुलर हमारा भार डाल सकते हैं, डलेगा ही, और अगर हमारा ओ वर्टेक्स पे ऑब्ट्यूज एंगल आता है तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ डलेगा बेटा, वो हमारा इसके अंदर, देखो इसमें अंदर डलेगा। ओके, तो डोंट वरी, दोनों केसेस में सेम है, यहाँ पे भी हम ओ डी सी में राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ओ डी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं डाल पा रही, तो इसलिए मैं एक बार डायग्राम को ही दोबारा से करवाऊँगी। देखो फिर से बताती हूँ कि मेरे पास दो फोर्सेस थे, ओ ए और ओ बी, तो ओ ए के अलोंग पी और ओ बी के अलोंग क्या लग रहा है, क्यू, और दोनों के बीच का जो एंगल है मेरा अल्फा है, ठीक है। और मैंने आर क्या लिया है, आर मैंने रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच का, बेटा हम आर रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच का एंगल लिया थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट आर ये आपका बहुत रोल प्ले करता है, अगर आप इसको पी के अलोंग, पी और आर के बीच में थीटा लेते हो तब आपका कंसेप्ट अलग देगा, अगर पी और क्यू और आर के बीच में लोगे तब आपका कंसेप्ट अलग देगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों फिगर्स में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि हमारा दोनों फोर्सेस के बीच में यहाँ पे तो एक्यूट एंगल लग रहा है और यहाँ पे हमारा दोनों फोर्सेस के बीच में क्या लग रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपके कंसेप्ट दिमाग में डाल दिया कि रिजल्टेंट आर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ओसी और क्या चाहिए, ओ डी और क्या चाहिए, सी डी चाहिए, जो हम इन ट्रायंगल ए डी सी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करके निकालेंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ओके।